नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ब्लॉग्स ऑफ मुकेश पंडित में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की हमारी वीडियो नासिक की पार्ट वन। और आज मेरा नासिक में पहला दिन है और पहली सुबह है, तो सबसे पहले मैं उठ के चाय पीने के लिए बाहर आया अपने रूम से। तो होटल में अभी चाय नहीं मिली थी क्योंकि उनका कहना था सुबह 7 बजे के बाद ही चाय मिलती है और अभी 6:45 हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेरा होटल, जिस होटल में मैं रुका था उसके ठीक सामने यहाँ पर एक बहुत फेमस मंदिर है। इस मंदिर का नाम है श्री कालीराम मंदिर और उसके सामने ही मैंने एक चाय की यहाँ पे शॉप देखी। तो यहाँ पर जो भैया चाय बना रहे थे तो इसके धुएं की खुशबू से मुझसे रहा नहीं गया। और जब मैंने यहाँ पर आया तो मुझे पता चला कि ये पहली चाय इस तरह से भगवान को भोग लगाते हैं और उसके बाद इसकी खुशबू से कस्टमर खींचे चले आते हैं। तो यहाँ चाय पीने के बाद आप सामने जो देख रहे हैं यहीं पर यहाँ का प्राचीन मंदिर है जो कि श्री कालीराम के नाम से फेमस है। ये मंदिर लगभग 2000 साल पुराना है और जो इसकी हिस्ट्री है उसके अनुसार ये मंदिर बनवाया था जो पेशवा के सरदार थे जिनका नाम था रंगराव ओडेकर। तो उन्होंने ये मंदिर बनवाया था और इस मंदिर को बनने में लगभग 250 साल का समय लगा। और उस ज़माने में इस मंदिर को बनने में जो कुल लागत आई थी वो आई थी 23 लाख रुपए के से थोड़ी बहुत ज़्यादा, लेकिन जो मानी जाती है वो 23 लाख रुपए। तो सोचो ये मंदिर उस समय में 23 लाख में बना था तो ये मंदिर कितना अद्भुत होगा। अब बारी आती है इस मंदिर का नाम कालीराम क्यों रखा गया, क्योंकि उस समय जो मंदिर को जब ये मंदिर बनाया गया था तो जो पत्थर की तलाश हुई तो उस समय जो सबसे बेहतरीन पत्थर था वो काले रंग का पत्थर था। तो उस समय काले रंग का पत्थर यूज़ होने के कारण और जो इसमें भगवान श्री राम की तस्वीर बनाई गई वो भी काले पत्थरों से ही बनाई गई है, तो इसी कारण इस मंदिर का नाम कालीराम रखा गया हुआ है, श्री कालीराम मंदिर। और अगर आप इस मंदिर को देखोगे, सोचो 2000 साल पहले ये मंदिर बनाया गया था और आज भी इसका स्ट्रक्चर और जिस तरह से बना हुआ है इसकी बनावट, ये ज़बरदस्त अद्भुत और ये बेमिसाल है ये मंदिर। तो सोचो उस समय की जो टेक्निक थी, उस समय कोई भी जो आज की डेट में तो क्रेन वगैरह होती है बनाने के लिए, लेकिन ये उस समय जो पत्थर वगैरह इसके उठाए गए थे हाथियों के द्वारा और किस तरह से बनाया गया, आप इसकी बनावट देख सकते हैं। आसमान को छूता हुआ ये मंदिर है और ये 72 फीट लंबा है और ये 32 फीट जो ये 32 मीटर ये इसकी चौड़ाई है। तो इसकी आप बनावट देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। अंदर से मैं इसे नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि अंदर कैमरा फोन अलाउड नहीं है और किसी भी तरह की फोटोग्राफी अंदर मंदिर के जो मेन अंदर है जहाँ पर दर्शन किए जाते हैं वो अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर से आप इसकी कारीगरी देख के इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं और आपको लगेगा कि ये मंदिर आपको यहाँ पे एक बार ज़रूर जाना चाहिए। तो जब भी आप नासिक जाते हैं तो इस मंदिर में ज़रूर जाएँ। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद जैसे ही आप बाहर निकलोगे, जस्ट लेफ्ट में आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक और जगह दिखाई देगी जहाँ पर आपको बहुत सारे बड़े बड़े बड़ के पेड़ दिखाई देंगे जिनका नाम वट वृक्ष भी उन्हें कुछ लोग बोलते हैं। तो इस जगह का नाम है पंचवटी और यहाँ पर भगवान श्री राम और माता सीता के द्वारा 5 वट वृक्ष लगाए गए थे, इसीलिए इस जगह का नाम वट पंचवटी रखा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि वट नंबर 1। इस तरह के 5 पेड़ हैं यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि मॉर्निंग में सुबह सुबह ही यहाँ पर दर्शन करने के लिए जाएं, क्योंकि सुबह 8 बजे के बाद यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि आपको कम से कम 2 घंटे लाइन में खड़ा रहना होगा। तो ये पेड़ जो आप देख रहे हैं ये उसी समय के पेड़ माने जाते हैं, बताए जाते हैं, और ये इतने विशाल हैं कि आप इन्हें देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने प्राचीन हैं। तो ये बिल्कुल कालीराम मंदिर के सामने की जगह है और ये मंदिर और ये जगह जो स्थित है ये गोदावरी नदी के बिल्कुल समीप ये जगह है। तो इसके बाद मैं यहाँ से जो जाऊँगा मैं गोदावरी नदी पर, जो वहाँ पर गोदावरी नदी जो गोदा घाट के नाम से फेमस है, तो उस जगह दर्शन करने जाऊंगा। तो अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ पर थोड़ा लेट आते हैं तो देख सकते हैं ये लाइन में जाने के लिए यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की गई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी लाइन है, क्योंकि 8 बजे के बाद ये पूरी लाइन भर जाती है। तो इसलिए आप जब भी वहाँ जाते हैं तो सुबह सुबह थोड़ा जल्दी जाइएगा। तो यहाँ पर एक अंदर की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, अभी यहाँ से घूम घूम के जाना होगा। तो अंदर की तरफ भी 2 वट वृक्ष हैं, उसके बाद यहाँ पर जो मेन मंदिर है जो इसमें अंदर गुफा है वहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो उसके लिए प्लीज़ वीडियो को आप एंड तक देखें और थोड़ा सा सपोर्ट करें। तो इस मंदिर के खुलने का समय 6:45 और शाम को 8 PM तक ये खुलता है।
तो आप जितनी जल्दी जाएंगे आपको भीड़ नहीं मिलेगी और इस मंदिर में घूमने में ज़्यादा समय भी आपको नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एक गुफा है और अंदर माता सीता और श्री राम के दर्शन करने के बाद ये गुफा है जिससे आप जाते हैं दर्शन करने के लिए। और ये जो गुफा की चौड़ाई सिर्फ 1 से 1.5 फीट की है, तो यहाँ पर आप जाइएगा आराम से दर्शन करने के बाद। और इसके बाद जैसे आप दर्शन करने के आएंगे तो ये गुफा भी वैसे बहुत अच्छी बनी है, पूरी पत्थरों को काट के बनाई गई है। और जो मेन मंदिर है उसके दर्शन मैं नहीं करा पाऊँगा क्योंकि वहाँ पर कैमरा फ़ोन अलाउड ना हो शायद, तो ये आप वहीं जाकर देखें। और ये इसकी सीढ़ियाँ हैं, देखो टाइम भी लिखा हुआ है 8:30 तक। तो इसके बाद मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जैसे ही आप मंदिर से निकलेंगे राइट में जाएंगे तो यहाँ पर गोदावरी नदी है और जहाँ पर गोदा घाट के नाम से वो फेमस जगह है, तो यहाँ से लगभग वो 500 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ जाने के बाद जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये गोदा घाट जगह है, तो यहाँ का अपने यहाँ स्नान करके और मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तो इसके जो आगे का पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ थोड़ा सा लाइक करें, सपोर्ट करें। तो यहाँ का आगे का सीन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, यहाँ पर भी एक बहुत प्राचीन मंदिर है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।